हे गाइस एंड वेलकम टू द सीजन 12 ऑफ दिस पोकेमोन फायर एश वर्जन। जहाँ पे गया था पिछली बार हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर टीम कमांड गैलेक्टिक कमांडर्स को दोस्तों रिपीट किया था एंड दोस्तों उसके साथ हमने अपनी टॉर्टेरा यानी कि ग्रोटल को हमने टॉर्टेरा में इसका विकसित किया था एंड हमने दोस्तों यार अपने मॉनफोनो को इवॉल्व किया दिया था इंफरनेप में। सो यस गाइस यार कल ही हमारा दोस्तों स्टार्ट हो चुका था अपना सीजन 12 बट यार मैंने आज कर दिया We need to subdue Dialga and Palkia. So guys यार यहाँ पर हम पकड़ने जाने वाले हैं Dialga and Palkia को। Yes guys यार यहाँ पर मैं आज पकड़ने जाने वाला हूँ Dialga and Palkia को। So yes guys यार कल के मतलब कि यार सीजन 12 मैंने आपका अपना दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। शायद पिछले ही हफ्ते अपना सीजन 11 स्टार्ट हो चुका था बट यार यहाँ पर दोस्तों अपना सीजन 12 भी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके तो शायद सीजन 12 नहीं, शायद माफ करना गाइस यार मैंने सीजन 12 कह दिया, तो यार सीजन 13 शायद हमसे अपना अब तक आपसे अपना जो है वो स्टार्ट हो चुका है सीजन 12 या 13 मुझे पता नहीं यार। प्लीज गाइस यार प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे एक बार फिर से चेकआउट करना होगा। शायद सीजन 13 स्टार्ट हो चुका है गाइस यार। यस हाँ सीजन 13 हमारा स्टार्ट हो चुका है गाइस यार यहाँ से, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर हमें बस सीजन एक विक्टर स्टार्ट हो चुका है। जो पिछला सीजन था जो कि था गैलेक्टिक बैटल्स वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। सो सॉरी गाइस यार यहाँ पर सीजन 13 बोलना था मुझे बट मैंने गलती से सीजन 12 बोल दिया। सो यार मेरे पास मार्टर बॉल की मदद से दोस्तों यार मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली दोस्तों ऑप्टेन कर दिए हैं दोस्तों Dialga एंड Palkia को। शायद मैं उन गार्डियंस पोकेमोन्स को भी पकड़ पाऊंगा या नहीं पता नहीं। इट हैज द एबिलिटी टू रिस्टोर द प्लेस स्पेस, इट इज द डिस्क्राइब्ड डीटी इन द सिनो रीजन माइथोलॉजी। तो चलो हमने इन दोनों को भी दोस्तों पकड़ लिया है एंड गाइस हमने शांति बनाई रखी है यहाँ पे। यू हैव डन इट, द पोकेमोन हैव गॉन बैक टू देयर ओन डिमेंशंस। यस आवर टीम गैलेक्टिक हैज बीन डिफीटेड। आई वंडर व्हाट हैपेंड टू देयर लीडर साइरस, ही डिसअपीयर्ड इनटू द पोर्टल मेड बाय द लेजेंडरीज। वी कैन वरी अबाउट दैट लेटर, आई विल हैंडल अरेस्टिंग एवरीवन। आई विल सेंड या गोल्ड यू एस्कॉर्ट द चिल्ड्रन टू सेफ्टी। आई विल हैप्पी टू डू ब्रो, लेट्स गो। सो चलो गाइस यार यहाँ से हम चले जाते हैं बाहर की तरफ। सो चलो गाइस यार यहाँ पर ओके यार बैटल है तो मुझे इसे खत्म करके आना होगा यार। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे जाना था यहाँ से सीधा अपने, पता नहीं यार अपना लास्ट जिम बैच कब मुझे हासिल होगा। आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दैट। तो चलो यहाँ से चलते हैं। ओके सो चलो गाइस यार यहाँ पर मुझे चले जाना चाहिए। ओके यहाँ से दो घर है, देखते हैं गाइस यार पहला घर कौन सा है। ये तो वही बंदा है ना गाइस यार जहाँ पर हम अपना ग्लाइस्कोर दोस्तों ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। यस यार ग्लाइस्कोर तेरे जाने का वक्त जो है वो आ चुका है, वो जल्दी मुलाकात होगी ग्लाइस्कोर। तो चलो यहाँ पर ना मैं दोस्तों ओके सो यार चलते हैं दोस्तों यहाँ से बाहर की तरफ। मुझे कोई भी यहाँ पर कोई अभी तो काम है नहीं। ओके तो यार यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होगा। ओके ओके दिस माइट हेल्प यू। नहीं अरे हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया कि यार हमारा दोस्तों मुझे अपना गेबल भी तो लेना है। यस गाइस यार यहाँ पर मैं भूल ही गया था कि यार मुझे अपना गेबल भी तो लेना है दोस्तों यार, मतलब कि मुझे आइडिया ही नहीं वहाँ पर दोस्तों पीसी है तो यार अपना गेबल दोस्तों प्रोफेसर ओक से मंगवा लेते हैं क्योंकि यार वो कल मैंने लिया था एंड वो तो पीसी में ही गया जा चुका था, इसलिए मुझे उसे अभी लेके जाना होगा। सो यस गाइस यार गेबल को ले लेते हैं। यहाँ पर अपनी टीम तो देख ही रहे होगे, मतलब कि यार पोकेमोन्स जितने भी हमने लेजेंडरी भी कैच किए हैं वो भी आप देख ही सकते होगे और भी ऐड होते थे यार, मतलब कि हाँ 3 ऐड हो जाएंगे वो जोटो के बट यार वो अभी लुगिया तो नहीं ऐड एंड 4 तो नहीं हो पाएंगे। तो चलो गाइस यार ओके बैरी करा है वहाँ पे, मुझे उसके बाद चेकआउट करने के लिए जाना होगा बट यार इस बैटल को खत्म कर लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस ओके गाइस यार यहाँ पर हमने बैटल भी कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए गाइस यार यहाँ से अभी अपने आगे के सफर की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ओके तो यार चलो गाइस यार यहाँ पर ना मुझे अपना गिबल को भी गाइस शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर देके रखना चाहिए, अच्छे खासे उसके पास अटैक्स है उसकी काफी ज्यादा मदद हो सकती है मुझे। तो यार ओके इंफरनेप से ले लेते हैं एक्सपीरियंस शेयर क्योंकि इंफरनेप तो अभी काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग कर चुका है, तो यार मुझे लगता है कि अपने एक्सपीरियंस शेयर और गिबल को ही देके रखना चाहिए। तो चलो गाइस यार यहाँ पर हम बैरी से बात कर लेते हैं। No, I know you will do shut up eventually. I'm not moving until we get another battle. Except you got here way too fast. Give me some time to get ready. Okay, तो यार ये कह रहे कि हम ज्यादा तेज आ गए तो यार उसके लिए मुझे अभी थोड़ा सा यहाँ पर रोमिंग करनी चाहिए एंड हाँ काफी सारे मैंने बैटल्स भी स्किप आउट कर दिए थे तो मुझे लगता है गाइस यार इन्हें भी खत्म करके आना ही चाहिए। तो चलो गाइस यार यहाँ पर बैटल फिनिश करके ना आपसे फिर से मिलता हूँ।
तो चलो गाइस यहाँ पर हमने एक और बैटल कंप्लीट कर दिया है। सो यस आई एम गोइंग टू स्किप दैट बैटल, कुछ कुछ बैटल में स्किप आउट कर। ओके यार मैंने ऊपर का एरिया शायद एक्सप्लोर किया नहीं था ना, इसलिए शायद पॉल बैरे भी कह रहा है कि यार प्लीज मुझे थोड़ा समय दो, इसलिए शायद क्यों, क्योंकि गाइस यार हमने ऊपर का एरिया भी दोस्तों एक्सप्लोर किया नहीं। तो कोई बात नहीं यार, हम एक्सप्लोर कर देते हैं ऊपर का एरिया। तो चलो यार इन दोनों को हरा देते हैं, सुपर नर्ड डेनियल को। तो चलो इसे भी हमने दोस्तों हरा दिया है। एंड यस दोस्तों देखते हैं गाइस यार अभी नेक्स्ट अप कौन आ रहा है। तो यस हम आ चुके हैं, पता नहीं यार कहाँ पर है। ओके तो एक आलिशान सा महल है ये। ओके सो यार पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं हम। ओके वेयर इज माय फियांसे? कौन तेरा फियांसे? मुझे नहीं पता मैम। लेडी जैस्मिन? अरे हाँ दोस्तों यार ये तो दोस्तों जेम्स की मंगेतर थी ना। हाँ यार मतलब कि यार ये जेम्स की मंगेतर थी, पता नहीं यार यहाँ पर ये कैसे आ गई। शायद जेम्स ना टीम रॉकेट भी दोस्तों यहीं पर कहीं तो आसपास होगी, इसलिए गाइस यार ये कह रहा मतलब कि बारिश शायद कह रहा था कि यार वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गए, वरना तो हम उसके बाद उसके पास टाइम से ही पहुँच जाते थे। अल ओके ये टेक केयर करता है मेंशन की। ओके तो ब्लू हेयर कन्फर्म हो गया, ब्लू हेयर यानी कि जेम्स। यस ये दोस्तों कन्फर्म हो चुका है यहाँ पे कि यार ब्लू हेयर यानी कि दोस्तों जेम्स है यहाँ पर शायद। ओके तो देखना होगा मुझे ये टीम रॉकेट कहाँ पे छुपी पड़ी है। ओके तो ये रही, मैंने तुम लोग ढूंढ लिया, तुम लोग आ जाओ इससे शादी कर लो। नेटअप व्हाट आर डूइंग हियर? इट डजंट मैटर। ओके तो यार देखते हैं अभी इनको हराने का वक्त आ चुका है। सो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, थ्रू द गेमर वर्सेस टीम रॉकेट जेसी एंड जेम। एंड यार इनके पास तो अभी 6 पोकेमॉन्स आ चुके हैं, पता नहीं यार इनको अभी हराना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होगा शायद। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पर कार्निवैन के खिलाफ हम लेकर आएंगे अपने इन्फरनेप को। यार मैं हीलिंग भी करना आके भूल गया था। चलो यार कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है, हीलिंग की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन लोगों को हराने के लिए। ओके तो यार बाइंड से अपना स्क्वीज हो गया, तो कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है यार। ओके डिक कर दिया मैंने गलती से, मुझे एक फ्लेम व्हील देनी थी। तो चलो अभी डिक करने का वक्त आ चुका है। ओके यार मैं तो भूल ही गया कि यार लेविटाइट एबिलिटी है यहाँ पे कार्निवैन को। तो चलो अभी इसे हर देते थे क्लोज कॉम्बैट। एंड यस यहाँ पर हमने कार्निवैन को दोस्तों डिफीट कर दिया है। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा आता है। वाबाफेट, तो वाबाफेट के अलावा मेरा यहाँ पर इन्फरनेप भी जाएगा। देखिए यार इन्फरनेप तेरी तू ले रिक्स ले रहा, यहाँ पर जल्दी से डाउन कर दे, वरना तो यार अगर एक फटका पड़ गया ना वाबाफेट का काउंटर नहीं तो मिरर कोट, तो यार काफ़ी ज़्यादा हमें डैमेज पहुंचेगा। यस गाइस यहाँ पर वाबाफेट भी दोस्तों डाउन हो चुका है। तो नेक्स्ट अप देखते हैं कौन आता है, एक यानमेगा। चलो गाइस यार कंडीशन की बात नहीं है, यानमेगा को भी हम अपने फ्लेम फोर्स को हरा देते हैं। एंड यस गाइस यहाँ पर हमने यानमेगा को भी हरा दिया है। ओके ग्राउली, ग्राउली ये पोकेमॉन कब आया इनके पास गाइस, आपको कोई अंदाजा है ये पोकेमॉन कब आया इनके पास? प्लीज यार मुझे कमेंट में जाके बता देना यार, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि यार इसके पास इन लोगों के पास ये कब पैसा ये कैसा पोकेमॉन आ गया। सो चलो यार माइंड जीनियर तो मुझे पता है इनके पास पहले से ही था, बट यार ये ग्राउली कैसे आ गया पता नहीं। तो चलो हमने इन्हें हरा दिया है तो सक्सेसफुली। ओके यार ब्लास्टिंग ऑफ अगेन हो चुके हैं, 5500 हमारी अर्निंग हुई। ओके तो यार मुझे लगता है ना ये जैसबेला का ही शायद ये ग्राउलेट होगा। हाँ हाँ यार ये लोग भाग गए शायद, तू लेट आ गई, मैं जब बैटल कर रहा था तभी तुझे शायद जेम्स से शादी करनी चाहिए थी। तो चलो गाइस यार यहाँ पर मुझे लगता है कि हमने सारी की सारी चीज़ें जो है वो टेक केयर ऑफ कर ली है। तो मुझे लगता है गाइस यार यहाँ से हमें सीधा चले जाना चाहिए बैरी से बात करने के लिए। देखते हैं गाइस यार यहाँ पर क्या कहता है बैरी यहाँ पर। ओके तो वो चलो यहाँ से नीचे। ओके यार वहाँ पर एक पोकेबॉल पड़ा है, तो मुझे लगता है कि यार वो मुझे पोकेबॉल लेने चले यहीं जाना चाहिए। यस आई वॉन्ट टू स्किप दैट बैटल अगेन, वो मैं नहीं चाहता कि एक जेंटलमैन से मैं बैटल करूँ फिर से, क्योंकि यार पिछली बार भी देखा ना मैं कितने मैग्नेमाइट लेके आ गया था, 6 शायद वो मैग्नेमाइट ही लेके आ गया था। तो चलो गाइस यहाँ से हम राइट साइड में रेक्वाजा गाइस यार क्या हो क्या रहा है आज, मतलब कि यार शुरू में ही हमने दो लेजेंडरी स्केच आउट किए थे जो कि थे डीएलगा एंड पालकिया, एंड पता नहीं यार यहाँ पर होम रीजन का रेक्वाजा यहाँ पर कैसे आ पड़ा है। ओहो भाई साहब कोई बात नहीं यार, यहाँ पर हम इसे पकड़ लेते हैं अपने मास्टर बॉल से, अपने दोस्तों पीसी में ऐड हो जाएगा शोकेस की तरह, काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। मैं यहाँ स्पेसिफाई भी करने वाला हूँ जल्दी ही, मतलब कि हर एक रीजन के नेक्स्ट नेक्स्ट पोकेमॉन हर एक रीजन के एंड में बता दूंगा। पोकेमॉन डेट फ्लाइट एंडलेस इन द ओजोन लेयर, इट इज सेड दैट डिकेंट अबाउट अ ग्लोडाउन एंड इफ अ कायोग्रेन वर टू फाइट। ओके यहाँ ये बैटल शांत करने के लिए कहा जाता है जब भी ग्लोडाउन एंड कायोग्रेन बैटल यहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं। सो यस वी ऑब्टेन द बिग मशरूम। हाँ कुछ को भी चाहिए तो गाइस यार कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर इट टू बैन है, बट हाँ शेयर भी नहीं तो और कोई तो कर दूंगा गाइस यार, एमएक्स शेयर करो भी है।
अगर आपको चाहिए हो तो बिग मशरूम नहीं तो मेल ही कर दूंगा, पोस्ट से भी भेज सकता हूँ मैं अगर चाहे, मुझे तो नहीं चाहिए मशरूम। सो चलो वैसे बैरी से अभी बैटल करने का शायद तो वक्त आ चुका है, ये भी वो ऑल राइट आई एम नॉट गोना लूज दिस टाइम, यू कुड हैव कॉट अ नाइस पोकेमॉन ऑन दिस रूट बट आई एम डूइंग इट एनीवे, हूएवर लूजेस गेट अ $1,000 फाइन। सो अमीर बनने का वक्त आ गया है गाइस यार, ओके अमीर बनने का वक्त आ चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलो डिस्चार्ज दे देते हैं एंड यस ला जल्दी से ला मेरे ₹10,000, $10,000 वो भी, मैं अभी क्या अभी जा रहा हूँ एंड एक अच्छा सा यहाँ पर मैं सेटअप ले रहा हूँ। 5760 आई मस्ट स्टॉप नाउ दिस टाइम, डोंट थिंक दिस इज द लास्ट ऑफ इट ब्रो, वैसे भाग रहा है देखो यार, $10,000 की बात की थी $5,000 में ही निपट गया, अरे कैसे यहाँ पर कंजूस लोग निपट मुझे ही मिलते हैं यार, अभी मैं $10,000 मिलते थे मैं अच्छा खासा सेटअप लेता था, बट यार ये बैरी को ना सेटअप हमसे ले नहीं दे रहा, 5,000 में क्या सेटअप आएगा क्या, 10,000 में सेटअप तो मतलब कि यार सेटअप का ऐसा आता था बस, बट फिर भी यार मैं ले तो सकता था क्या यार, बैरी ने मेरा मूड खराब कर दिया। चलो गाइस यार कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मूड तो मेरा मतलब कि यार आपसे ठीक रहता ही नहीं है यार, पता नहीं यार क्या हो गया मेरे मूड को बिलक, बट मैं अच्छा रहने के लिए कोशिश करता हूँ, मतलब ये मेरा अच्छे रहता है मूड, ऐसा कुछ नहीं मजाक कर रहा था गाइस यार। सो चलो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं एंड देन गाइस यार यहाँ पर हम चले जाएंगे सीधा इस जिम को चैलेंज करने के लिए, आज नहीं कल, यस गाइस यार कल हम चले जाने वाले हैं दोस्तों चैलेंज करने के लिए। सो चलो गाइस यार यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, देखते हैं गाइस यार क्या क्या चीजें हमें टेक केयर ऑफ करनी है यहाँ से एंड देन ही गाइस यहाँ पर हम इस वीडियो को जो भी है यहाँ पर एंड कर देंगे। मुझे लगा था कि गाइस यार यहाँ पर हम आज ही दोस्तों जिम बैच हासिल कर देंगे बट नहीं कर पाए गाइस यार, क्योंकि थोड़ा सा अभी समय निकलते जा रहा है एंड मुझे लगता नहीं है कि मुझे मेरा आज ही जिम बैच हासिल हो पाएगा। तो चलो गाइस यार यहाँ पर वीडियो को भी जो है वो एंड करने का वक्त आ चुका है इस बैटल के तुरंत बाद, यस गाइस यार थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन कर लूंगा एंड देन गाइस यार वीडियो को भी एंड कर ही लूंगा। तो ओके तो यार क्लेडॉल एंड इन लोगों को हराने का हरा देते हैं, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यस देखते हैं गाइस यार ये फेरी कहाँ पे जाती है, ओके तो यस गिबल दे रहा है तुझे इन्वॉल्व नहीं करने वाला, ओके तो यार देखते हैं, ओके सो वी ऑब्टेन द पावर बेल्ट, पता नहीं यार ये क्या मिल गया मुझे, तो चलो गाइस यार यहाँ पर देखते हैं, ओके ये क्या, सो कहाँ पे जा रहे हो, ओके आई एम लिविंग फॉर सिनोलिक सून, तो यार यहाँ पर हम सिनोलिक के लिए लीव करने जाने सकते हैं गाइस यार, बट यार मुझे एक और जिम बैच हासिल करना होगा। सो गाइस यार शायद कल ही मैं हासिल कर दूं एंड कल ही से शायद मैं तो रात की फ्लाइट से दोस्तों निकल, रात की शिफ्ट की दोस्तों मेरा टाइम मिल चुका है यहाँ पर मैंने बुक कर दी है, क्योंकि तो गाइस यार वीडियो को जो है एंड करने का वक्त आ चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में भी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें एंड देन गाइस यार मैं सीधा मिलता हूँ आपसे पोकेमॉन फायरश के अगले एपिसोड में कल, तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।